चौरी चौरा में 25 मार्च को उपद्रव में शामिल अभियुक्तों की पहचान के लिए पुलिस ने भोपा बाजार चौराहा सहित अन्य जगहों पर उपद्रवियों का पोस्टर चस्पा किया, जिसके संबंध में सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि 25 मार्च को चौरी चौरा के भोपा बाजार चौराहे पर उपद्रवियों द्वारा रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया और कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया, जिससे पुलिस की कई गाड़ियां नष्ट हुई। वही कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिससे सरकार संपत्ति का नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए उपद्रवियों का भोपा बाजार चौराहा रेलवे स्टेशन झंघा नई बाजार मोतीराम अड्डा में पोस्टर चस्पा किया गया, जिससे कि उपद्रवियों के पोस्टर के माध्यम से पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक उपद्रवियों की पहचान करके पुलिस को सूचना दे सकता है तथा सूचना देने वाले को 1000 का इनाम दिया जाएगा और नाम को गोपनीय रखा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा डॉक्टर अखिलानंद उपाध्याय ने कहा, देखिए बोलना दीजिए, नाना तरीन बोल रहा है जी, सब फैना का जितने हैं सब नाम पता है गाँव का, कोई बात नहीं, सब फैला के लड़के हैं, ठीक है, पहचान वहाँ पता चलेगा, हम बता देंगे, हम तो भैया को बता देंगे। अरे ऐसा ना बता दे, भाग जाओ। जो दिनांक 25/3/2022 को भोपा चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आंदोलन के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी में जो है बाद में इनके द्वारा जो पथराव कर दिया गया था, इन लोगों द्वारा उन्हीं की शिनाख्त हेतु जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपा चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो है जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। अब टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चौरी चौरा हैं, थाना प्रभारी जगह हैं और वहाँ भी जो है क्षेत्र में आपके जगह क्षेत्र में भी और चौरी चौरा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, बाजार हैं, उन जगहों पर जो है चस्पा कराया जा रहा है।